ब्रूस ली से लेकर जैकी चैन तक दुनिया के वो महान एक्टर और मार्शल आर्ट के मास्टर रहे हैं, जिन्होंने अपने कमाल के स्किल से अपना नाम पूरी दुनिया में खूब रोशन किया। भारत में विद्युत जामवाल, अक्षय कुमार या टाइगर श्रॉफ जैसे कई एक्टर्स मौजूद हैं जिन्हें मार्शल आर्ट्स का एक्सपर्ट समझा जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि फिल्म्स में या आम लोगों के इस्तेमाल में किए जाने वाले मार्शल आर्ट्स से जुड़े शब्द कराटे, कुंग फू, ताइक्वांडो एक दूसरे से बेहद अलग हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, ये सभी अलग अलग स्पोर्ट्स और आर्ट फॉर्म्स हैं, और इन सभी को सिर्फ चीन में ही नहीं खोजा गया था बल्कि इन्हें अलग अलग देशों में बनाया गया था। आज हम आपको इन्हीं आर्ट फॉर्म्स के बारे में बताने जा रहे हैं, तो इसी के साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इनमें से सबसे खतरनाक कौन सा है, जिसे सीखकर आप इन सभी प्रोफेशनल एथलीट की तरह लड़ सकेंगे। सबसे पहले तो आप इस बात को समझ लीजिए कि मार्शल आर्ट एक वास्ट कॉन्सेप्ट है। कराटे, कुंग फू, ताइक्वांडो ये तीनों ही मार्शल आर्ट का पार्ट है। मार्शल आर्ट लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका मतलब होता है मार्स की कला। दरअसल रोम के भगवान मार्स युद्ध के देवता माने जाते हैं और उन्हीं के नाम पर इसका नाम मार्शल आर्ट पड़ा। इसके अंदर फाइटिंग से जुड़े वो सभी स्पोर्ट्स आते हैं जिसका इन्वेंशन चीन, जापान, कोरिया या फिर बाकी की एशियन कंट्रीज में हुआ था। इन सभी फॉर्म्स की प्रैक्टिस फिजिकल और मेंटल फिटनेस को ध्यान में रखकर की जाती है। अब हम जानते हैं कि आखिर ये तीनों फॉर्म क्या है और ये एक दूसरे से कैसे अलग है, तो चलिए अब आपको इनके बारे में बताते हैं। कराटे, सबसे पहले बात कराटे की, तो कराटे का इन्वेंशन 17th सेंचुरी के आसपास जापान के ओकिनावा प्रीफेक्चर में हुआ था। कराटे दो शब्दों से मिलकर बना है जिसमें करा का मतलब है खाली और टे का मतलब है हाथ यानी कि खाली हाथ। इसके आगे जापानी लोग दो शब्द जोड़ते हैं तो ये बन जाता है कराटे डो यानी जीवन जीने का पूरा तरीका। इसी के साथ हम आपको ये भी बता देते हैं कि इसके मतलब में ही इसका फॉर्म स्टाइल छुपा हुआ है। कराटे एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जिसमें सिर्फ खाली हाथ से ही लड़ा जाता है, आपका शरीर ही एक हथियार की तरह काम करता है। कहते हैं कि इसे उन लोगों के लिए बनाया गया था जो युद्ध के दौरान अपने अपने वेपन्स ले जाना भूल जाते थे। इसका मेन फोकस होता है खुद के शरीर को पत्थर की तरह मजबूत कर लेना जिसे किसी भी तरह का दर्द या हमला महसूस ना हो। आज के वक्त में कराटे इतना फेमस हो चुका है कि दुनिया भर में बहुत से लोग इस आर्ट फॉर्म को सीख रहे हैं। कराटे सिखाने वाले मास्टर को सेंसाई के टाइटल से बुलाया जाता है और इस टेक्निक में जितने भी मूव्स सिखाए जाते हैं उसे काटा कहा जाता है। कुंग फू, कुंग फू एक ऐसी फॉर्म है कि जो भी इसमें मास्टर बन जाता है वो एक के ऊपर एक रखे मोटे से मोटे पत्थर को भी एक बार में तोड़ सकता है या फिर एक पेड़ की आउटर लेयर में अपनी एक उंगली से छेद कर सकता है। दरअसल कुंग फू को दुनिया का सबसे पुराना मार्शल आर्ट माना जाता है और इसका इन्वेंशन 4th शताब्दी में चीन में हुआ था। चीन का शाओलिन टेम्पल कुंग फू के आविष्कार के लिए वर्ल्ड फेमस है। ये आर्ट फॉर्म भी दो शब्दों से मिलकर बना है, कुंग यानी कि काम या सफलता और फू यानी इंटेंसिटी या लगन। इसका मतलब ये हुआ कि सफलता को पाने की इंसान के अंदर लगन या इंटेंसिटी। कुंग फू में सर्कुलर मोशन में लड़ाई लड़ी जाती है। कुंग फू का मेन गोल अपने ओपोनेंट के अगेंस्ट अटैक करने के दौरान सामने वाले का ज्यादा से ज्यादा नुकसान कर देना और अपना बैलेंस बनाकर रखना होता है। ये बाकियों के मुकाबले बहुत फास्ट आर्ट है इसलिए बैलेंस की इसमें काफी जरूरत होती है। कुंग फू सिखाने वाले मास्टर को शीफू के टाइटल से बुलाया जाता है। लड़ाई लड़ने के लिए ये फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है और इसी के साथ अपने फॉर्म को और भी खतरनाक बनाने के लिए जानवरों के स्टाइल को कॉपी करके अटैक करता है। इसमें ड्रैगन, फ्रॉग, घोड़ा और सांप जैसे जानवरों की चालाकी और चाल को कॉपी किया गया है। हर फॉर्म के अपने अपने फायदे हैं, जैसे कि मॉन्की स्टाइल कुंग फू काफी तेज, ट्रिकी और अनप्रिडिक्टेबल होता है। इसका फोकस लोगों को डिसीव करना होता है यानी उन्हें फॉल्स अटैक मूव्स के जरिए चकमा देना और उसके बाद अपने ओपोनेंट के खिलाफ अपना असली अटैक इस्तेमाल करना होता है। अब अगर ड्रैगन स्टाइल कुंग फू के बारे में बात करें तो ये डिफरेंट स्टाइल ऑफ किक्स, लॉक्स और टेक डाउन्स पर फोकस करता है। इस बात से आप समझ ही गए होंगे कि कुंग फू के अंदर भी हर फॉर्म की अपनी स्पेशियलिटी होती है। टाइक्वांडो, अब हम आते हैं तीसरी फॉर्म पर। टाइक्वांडो का मतलब होता है पैर और हाथ चलाने की कला। मार्शल आर्ट का ये फॉर्म कोरिया में बना था। माना जाता है कि इसका इन्वेंशन 37 ईसा पूर्व से साल 668 के बीच हुआ था। इसमें किक और पंच की टेक्निक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। इस कला में पैर मेन रोल प्ले करते हैं क्योंकि अटैक के दौरान ये हमला करने में सबसे ज्यादा इफेक्टिव साबित होते हैं। टाइक्वांडो को 1950 से 1960 में कोरियन आर्मी ने अपनाया था और काफी हद तक उसे मॉडिफाई भी किया था। इसमें पावर, पेस, बैलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी का ज्यादा काम होता है। करीब 184 देशों में अब इस मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस किया जाता है और आपको इस बारे में पता ही होगा
कि ये ओलंपिक्स में भी शामिल किया जा चुका है। ताइक्वांडो सिखाने वाले मास्टर को साबम निम कहते हैं। इस आर्ट में जितने भी मूव सिखाए जाते हैं उन्हें पॉम्स कहा जाता है। इसी के साथ अब तक आप समझ ही चुके होंगे कि ये तीनों फॉर्म क्या है। अब बात करते हैं कि इन तीनों में से सबसे खतरनाक कौन सी फाइटिंग स्टाइल है। तो इसका जवाब है कुंग फू। और हमारा ऐसा कहने की बहुत बड़ी वजह है। सबसे पहले कुंग फू और ताइक्वांडो के बारे में बात करें तो इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस है। कुंग फू की मूवमेंट्स ताइक्वांडो के मुकाबले काफी ज्यादा फ्लूइड है। जहां तक बात रही ताइक्वांडो की मूवमेंट्स की, तो वो अपने स्ट्रक्चर की वजह से काफी ज्यादा रिजिड है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ताइक्वांडो में एक व्यक्ति अपने हाथों और पैरों का ज्यादा इस्तेमाल करता है, वही कुंग फू में टेक्निक्स के साथ साथ एंशियंट वेपन्स का इस्तेमाल एक ओपोनेंट के खिलाफ एडवांटेज गेन करने के लिए सिखाया जाता है। ऐसा नहीं है कि ताइक्वांडो में वेपन्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन इस बेसिस पर इन दोनों के बीच का फर्क वर्सिटैलिटी में आता है। कुंग फू इतना वर्सिटाइल है कि जिस भी व्यक्ति ने इस आर्ट फॉर्म को सीखा होता है वो अपने सराउंडिंग्स का और भी बेहतर इस्तेमाल कर पाता है, पर ताइक्वांडो में इन चीजों का एडवांटेज नहीं मिल पाता। अब बात करते हैं कुंग फू और कराटे के बारे में। कुंग फू को अपने टेक्निक और स्टाइल की वजह से एक सॉफ्ट फाइटिंग स्टाइल और डिफेंसिव आर्ट फॉर्म समझा जाता है। जहां तक बात रही कराटे की, तो इसकी टेक्निक स्टाइल लाइनर है और इसी वजह से ये अपने ओपोनेंट पर सीधा अटैक करने का एम रखता है। तो इन दोनों के बीच ये एक डिफेंसिव वर्सेस अटैक फाइटिंग स्टाइल बनकर सामने आता है। इसमें कौन अपने ओपोनेंट पर एडवांटेज गेन करेगा, ये एक व्यक्ति के इंडिविजुअल स्किल पर डिपेंड करेगा। इसीलिए कौन सा आर्ट फॉर्म टेक्निक में ज्यादा सुपीरियर है इसका पता तो नहीं लगाया जा सकता। इन दोनों में ज्यादा बेहतर कौन है, इसको जानने के लिए अब हम ये देखते हैं कि किसकी ट्रेनिंग ज्यादा मुश्किल है। कुंग फू में सबसे पहले वो एक्सरसाइज की जाती है जो टेंडन्स पर फोकस करती है। टेंडन्स हमारी बॉडी की वो मसल्स हैं जो हमारे जॉइंट्स को इलास्टिसिटी देती हैं। इन एक्सरसाइज की वजह से कुंग फू में की जाने वाली मूवमेंट्स और भी बेहतर तरीके से परफॉर्म की जा सकती हैं। इसके बाद आती है वो एक्सरसाइज जिससे आप अपनी बॉडी और माइंड को क्लियर कर पाते हैं। और आखिर में आती है मेडिटेशन एक्सरसाइजेस जिसमें हमारे अंदर की एनर्जी को सेंस इम्प्रूव और कंट्रोल कर सके। इनकी ट्रेनिंग बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज से शुरू होती है, जैसे कि स्क्वाट्स स्ट्रेचिंग और स्प्लिट्स से शुरू की जाती है। टाइम के साथ साथ इन एक्सरसाइजेस को रिप्लेस करने की बजाय इन्हें ही और मुश्किल बना दिया जाता है। कुंग फू में जितने भी मूव्स परफॉर्म किए जाते हैं वो एक दिन में नहीं बल्कि सालों की मेहनत के बाद परफेक्ट किए जाते हैं। अब बात करते हैं कराटे से जुड़ी एक्सरसाइजेस की। इस आर्ट में भी तीन तरह की ट्रेनिंग होती है। सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल मूव्स की प्रैक्टिस की जाती है। इसके बाद दूसरी एक्सरसाइज में कराटे के मूव्स को परफेक्टली मेमोराइज करने की प्रैक्टिस की जाती है और एंड में एक स्पेयरिंग सेशन होता है जिसमें एक इंसान दूसरे के साथ प्रैक्टिस करते हैं। इन एक्सरसाइजेस का फोकस सबसे पहले कंट्रोल और एक्यूरेसी पर दिया जाता है और उसके बाद स्पीड और पावर पर। तो इस बेसिस पर कुंग फू कराटे से टेक्निक के बेसिस पर आगे है। इसी के साथ अगर हम इन दोनों टेक्निक्स को इस बेसिस पर जज करें कि इन आर्ट फॉर्म से हमें सीखने को क्या मिलता है, तो ये दोनों ही टेक्निक्स हमें डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस, सोशल स्किल्स और मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में सिखाता है। तो आप इस बेसिस पर इन दोनों के बीच ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। अब तीनों बेसिस को गौर से देखें तो कुंग फू कराटे से थोड़ा आगे है। आपका इन तीनों टेक्निक्स के बारे में क्या कहना है? अगर आपको मौका मिला तो आप इन तीनों में से कौन सा आर्ट फॉर्म सीखना चाहेंगे, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर का बटन दबाएं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे।